तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बताइए। आपने लेक्चर वन, लेक्चर टू, पार्ट वन पार्ट टू तो आप लोग देख ही लिए होंगे। वंशागति और वित्तक सिद्धांत का पार्ट वन पार्ट टू जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो क्या करे, बायोमन चैनल पर क्लिक करें, नीचे जिधर सब्सक्राइब का बटन रहता है ना उसी के बगल में चैनल लिंक, उसको क्लिक करें। कर लेते होगे होशियार हो। उसको करने के बाद क्या करोगे, वीडियोज़ में जाओगे, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाओगे। उधर प्लेलिस्ट में क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है, उसी में सारे वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीडी बाय सीडी, ठीक है। तो पहले दो लेक्चर आप लोग देख लीजिए। दो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भैया विविधता क्या होती है, अनुवांशिकी क्या होती है, इसके बाद कई चीज़ों के बारे में बताया। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया इसके बारे में बताया। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है भैया, जितने भी हमारे जो दिल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बातें चीतें करते हैं, उनमें से एक तो हो गई जैसे इंजल कश्यप करके कुछ है, अंजलि कश्यप करके, ठीक है। उसके बाद एक अवनीश राय हो गया, एक पालन सुमान हो गया, और कई लड़के हैं ऐसे ही हैं जो हमसे लगातार मतलब कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग बताइए, तुरंत कमेंट करिए कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जल्दी बताइए, कमेंट करके तुरंत बताइए कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। और दूसरा ये बताइए कि जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दो क्वेश्चन हो गए। और तीसरा गुड मॉर्निंग करोगे, पहले तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दो लेक्चर के बाद आज हम लोग यहाँ पर पर्सनली बात करेंगे मेंडल के नियम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बेटा, मेंडल के नियम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, आप लोगों को पता है कि जो मेंडल के जो नियम हैं, है ना, मेंडल के जो प्रयोग हैं वो बेटा दो प्रयोग थे। इधर मैं लिखे दे रहा हूँ कि जो मेंडल के प्रयोग थे, क्या थे, मेंडल के प्रयोग, ठीक है। नियम पर अभी हम लोग फोकस नहीं करेंगे। मेंडल के प्रयोग दो प्रयोग थे, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, और दूसरा है द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। अब देखिए मैंने आपको बताया था बेटा, एक सेकेंड ना, हाँ इसके लिए बताता हूँ। एक संकरण संकरण जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड। देखो अब यहाँ पे ना बिल्कुल क्या, बिल्कुल तैयार होके बैठना है, है ना, बिल्कुल जो कपड़ा लत्ता तो हार लुगन का है ना, उसको पहन के बिल्कुल तैयार होकर बैठना बेटा, बिल्कुल अटेंशन दिमाग, ठीक है, बिल्कुल अटेंशन। मजाक वजाक अब छोड़ देना, ठीक है। इधर हम मजाक नहीं चलने वाले, पीटे जाओगे सब, एक एक करके बारी बारी से मार खाओगे सब लोग, ठीक है। यहाँ पे एक संकरण संकरण में मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल के दो नियम फॉलो होते हैं, और द्विसंकर संकरण में तीसरा नियम फॉलो होता है। तो क्यों ना हम पहले दो नियम को पढ़ लिया जाए, तीसरा नियम को छोड़ दिया जाए अभी। तो हम लोग पढ़ेंगे केवल एक संकरण संकरण क्या होता है। याद रखिएगा, इसको हेडिंग डाल के रखिएगा, जो मैं भी मिटा रहा हूँ इसको भी डाल लीजिएगा, कि मेंडल ने दो प्रयोग किया था, पहला एक संकरण संकरण, दूसरा द्विसंकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब देखिए, अब एक संकर संकरण में मेंडल क्या कराते हैं, एक संकरण संकरण में सबसे पहले मेंडल क्या कराते हैं, एक संकर संकरण इसका नाम था, यानी कि इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया। क्या कराया, एक था लंबा पौधा और एक था बौना पौधा, ऐसे ही लिखिएगा, एक था लंबा पौधा और दूसरा था बौना पौधा। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया, तो आप लोग देख लीजिए जीन कैसे होते हैं बेटा, जीन जोड़े में होते हैं, ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है मान लीजिए। तो लंबे पौधे को हम कैसे करते हैं, कैसे इंडिकेट करते हैं, आपको पता है कैपिटल टी से। अब आपको पता है कि जीन जोड़े में होते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी। अब बौने पौधे को स्मॉल टी से इंडिकेट करते हैं। बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत हुई इतने में बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन क्या होगा, ये आधे आधे में टूटेंगे, कैपिटल टी ये भी टूटेगा,
स्मॉल टी। अब इसका एक जीन इसके दोनों जीन से मिलेगा और इसका एक जीन इसके दोनों जीन से, यदि एक जीन दो से मिल रहा है कितना बनाएगा दो, फिर दूसरा जीन दोनों से मिल रहा है कितना बनाएगा चार, यानी कि चार क्रॉसेस इसमें होंगी। अब अर्धसूत्री विभाग में चार क्रॉसेस देखिएगा, ये देखिए पहला जीन मिला क्या बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर गया फिर इसको लाया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस जीन से बेटा इस जीन की क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस जीन से इस जीन का क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी। बताइए इतना बेटा समझ में आया कि नहीं, एक संकरण संकरण में इतना कैपिटल टी स्मॉल टी समझ में आया कि नहीं। इसको हमने बोला यफ वन पीढ़ी, मतलब कि जो पहली पीढ़ी आई ना वो ये मिली, जब इन दोनों पौधों को, ये पौधे हैं, इन दोनों पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया तो यफ वन पीढ़ी में हमको ऐसे पौधे देखने को मिले, बिल्कुल जस्ट ऐसे। ये है हमारी एफ वन पीढ़ी, एक संकर संकरण कैसे कराया था, ये है हमारी एफ वन पीढ़ी। अब हम अगर जीन के लेवल पर नहीं देखते हैं, बाहरी लेवल पर देखते हैं, सेकंड में आपने पढ़ा था जीनोटाइप फीनोटाइप, सबसे पहले यदि हम फीनोटाइप इसका देखते हैं, क्या देखते हैं फीनोटाइप, इंग्लिश में लिखिएगा फीनोटाइप, इसका यदि हम बाहरी देख लेते हैं तो हमको सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, सभी लंबे पौधे दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा सभी लंबे पौधे, तो इसका फीनोटाइप क्या होगा लंबे पौधे, क्योंकि पता है क्या बेटा, एक सेकेंड, क्योंकि इधर जो कैपिटल टी है ये प्रभावी लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी है ये अप्रभावी लक्षण है। अब बताइए प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण समझे हो कि नहीं, लेक्चर वन में लेक्चर टू में मैंने आपको बताया था, लेक्चर वन में भाग वन में बताया था आपको प्रभावी लक्षण क्या है और अप्रभावी लक्षण क्या है, तो इसमें से प्रभावी लक्षण है लंबा पौधा, यानी कि लंबे पौधे का प्रभाव आ रहा है, तो फीनोटाइप होगा लंबे पौधे। अब हम लोग देखते हैं बेटा जीनोटाइप, जीनोटाइप यानी कि जीन के लेवल पर देखते हैं, जीनोटाइप जब जीन के लेवल पर देखेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो चाचा था ना ये बाहर से देख लिया था तो सभी लंबे पौधे दिख रहे थे, लेकिन ये चाचा फिर क्या किया इसके अंदर घुस गया, अब जब ये इसके अंदर घुस के बैठ के देखा तो बताया भैया कि एक लंबा है और एक बौना है, इसको हम शुद्ध लंबा नहीं कह सकते कि शुद्ध लंबा पौधा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संकर लंबा, संकर लंबा पौधा। तो बताइए जीनोटाइप फीनोटाइप निकाल लेंगे कि नहीं, यफ वन पीढ़ी में जब मेंडल ने एक संकरण संकरण कराया, लंबे पौधे और बौने पौधे के आपस में क्रॉस कराया, तो यफ वन पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण देखने को मिला जिसको हमने प्रभावी लक्षण बोला, वो था लंबा पौधा, और अप्रभावी लक्षण होने के साथ भी वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए हमने उसको बोला अप्रभावी लक्षण है ये। तो इसका जीनोटाइप फीनोटाइप निकाल लोगे ना, फीनोटाइप मतलब इधर खड़े होके देखो ऊपरी भाग से, अब अंदर चाचा घुस के देखो, इसके अंदर घुस के देखो, जब घुस के देखोगे तो समझ आएगा। अब मेंडल क्या किए, एक संकरण संकरण अभी खत्म नहीं हुआ, अब मेंडल क्या किए भैया कि इसी में आपस में स्वपरागण करा दिए, अब ये जो संतान बनी ये वाली एफ वन पीढ़ी की, इसमें आपस में स्वपरागण करा दिए कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका आपस में स्वपरागण हुआ तो किसका कराया, संकर लंबा पौधा का क्रॉस कराया, संकर लंबा पौधा का स्वपरागण कराया। अब देखिए इसको फिर करिए कैपिटल टी स्मॉल टी, अब क्रॉस फिर कराइए कैपिटल टी, ध्यान रखिएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे समझने वाली बात ये है बेटा कि इधर 100% संकर लंबे पौधे थे, ठीक है 100% संकर लंबे पौधे थे, ठीक है 100% थे, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 100% 25-25 के हिसाब से था, 25% 25 25 25 100% संकर लंबे पौधे थे, लेकिन इधर क्या होता है, इधर समझना कि
देखो इधर ये कैपिटल टी है, यानी कि ये शुद्ध लंबा है। क्या है ये? आपका शुद्ध लंबा है। और ये कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ये क्या है? ये संकर लंबा है। और ये क्या है? ये शुद्ध बावना है। तो यानी कि जब यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को, अब इसमें लिखेंगे क्या? अभी लिखना नहीं है, मेंडल के दूसरे नियम में लिखाएंगे, ठीक है। तो यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब आपस में स्वपरागण कराया गया तो लक्षण जो थे, जो जितने भी प्रकार के पौधे थे, वो आपस में अलग अलग हो गए, आपस में भिन्न भिन्न हो गए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोले? इसको हमने बोला कि ये यफ टू पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है बेटा? यफ टू पीढ़ी। इसमें जो युग्मक है ना, इसको हम युग्मक शुद्धता का नियम भी बोलते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम। क्योंकि इसमें युग्मक जो थे ना, जितने भी गैमिट्स थे, वो शुद्ध हो गए, है ना। कोई मतलब अशुद्ध टाइप का नहीं मिला, सब शुद्ध हो गए भैया, इसलिए इसमें बोलते हैं युग्मक शुद्धता का नियम। अब इसका देखिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप आप निकालेंगे। सबसे पहले फिनो निकालो, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से देख करके, बाहर से देख करके दिखेगा कि एक तो शुद्ध लंबा है, दो ठो लंबा है, एक बौना है। तो फिनोटाइप आप क्या लिखा लेंगे? सबसे पहले लिखेंगे लंबा अनुपाते, लंबा कितने हैं? तीन पौधे लंबे हैं, तीन अनुपाते, फिर एक बौना है, लंबा अनुपाते बौना, ये लंबा फिर लिख गया बौना, एक बौना है। यानी कि फिनोटाइप जो आएगा वो तीन अनुपाते एक का आएगा। कैसे आएगा फिर से समझ लो, ये शुद्ध लंबा है, लंबा हम लिखेंगे, ये भी लंबा है, ये भी लिखेंगे, ये भी लंबा, ये भी लिखेंगे। अब भैया हमने क्या किया, जीन के अंदर घुस के देखें कि ये वास्तव में लंबा है कि नहीं, कि बाहर से लंबा दिख रहा है अंदर खोखला हो। अब निकालेंगे हम जीनोटाइप, जीनोटाइप जीन प्रारूप, इसको लक्षण प्रारूप, लक्षण के हिसाब से देख करके, बाहरी आवरण के हिसाब से देख करके। अब जीनोटाइप में क्या निकालेंगे? जीनोटाइप में देखेंगे, घुसेंगे इसके अंदर तो देखेंगे इसमें एक जो पेड़ है वो शुद्ध लंबा है। इधर एक लिखेंगे, शुद्ध लंबा कितना है? एक। फिर अनुपाते, फिर देखेंगे कि संकर लंबे दो पौधे हैं, फिर लिखेंगे हम संकर लंबा, एक शुद्ध लंबा है, दूसरा संकर लंबा कितना है? दो पौधे संकर लंबे के हैं। फिर एक बौना है, एक शुद्ध बौना है। तो ये तो इसका जीनोटाइप क्या होगा? एक अनुपाते दो अनुपाते एक, और फिनोटाइप क्या होगा? तीन अनुपाते एक। ये हुआ जीनोटाइप, ये हुआ फिनोटाइप। ये यफ1 पीढ़ी थी और ये यफ2 पीढ़ी थी। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? यही है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है? मेंडल के, मेंडल का जो प्रयोग था, पहला प्रयोग था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यही है। नंबर एक यहाँ पे पढ़ेंगे, नंबर दो यहाँ पे। बताइए बेटा इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते, बिल्कुल निसंकोच पूछ सकते, बिना शर्माए हुए। वैसे भी लड़कियाँ तो शर्माती नहीं हैं, है ना? नहीं शर्माती आप लोग? हाँ वैसे काहे की शर्म यार, आराम शर्म ये सब शर्म वरम लोग बचपन में किया करते थे, अब बड़े हो गए तुम लोग, काहे की शर्म भैया? किस चीज़ की शर्म बताओ? ऐसे ही मजाक कर रहे हैं ठीक है ना तुम लोग? अगर सीरियस हो जाओ भैया ऐसे कुछ, तो सीरियस हो जाना तो अपने मत्थे हो ना, ठीक है ना? हम आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इतना तुम लोग पहले लिखो, मेंडल का प्रयोग हेडिंग डालो, उसके बाद लिखो एक संकर संकरण। क्या लिखोगे? बाहर, हाँ, एक संकर संकरण, फिर लंबे पौधे बौने पौधे इसको लिखो, फिर जीनोटाइप फिनोटाइप इसको नीचे लिखो, फिर इसके नीचे फिर जीनोटाइप फिनोटाइप लिखो। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तुरंत लिख लो अपनी कॉपी में, टाइम दे दूँ क्या लिखने का? कुछ लड़कों की डिमांड होगी ना कि भैया टाइम दे दो, हम लिख नहीं पाते हैं। तो यार अपने लिखने की स्पीड को कब तुम लोग इम्प्रूव करोगे? अगर अभी नहीं इम्प्रूव करोगे ना तो याद रखना कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना? अभी यदि इम्प्रूव नहीं किया बच्चे तो कभी नहीं कर पाओगे। अब देखो एक संकर संकरण में अब समाप्त हुआ, एक संकर संकरण आपका यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे मेंडल के नियम के बारे में। मेंडल के दो नियम एक संकर संकरण पर काम करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेंडल का नियम। मेंडल का पहला नियम है प्रभाविता का नियम। क्या है बेटा? प्रभाविता का नियम।
बहुत अच्छे समझाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। पता है क्या है, मार्कर उधर ही रख देते हैं। अब इसे पता है 5 मार्कर हाथ में लेके पढ़ाएं तो कहाँ पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। प्रभाविता का नियम क्या बोला, मेंडल ने जब एक संकर संकर प्रयोग किया तो क्या किया, विपरीत कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में परागण कराया, आपस में क्रॉस कराया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया, मेंडल के प्रभाविता का नियम है कि जब, लिखिएगा आप लोग भी, जब, बहुत टाइम है मेरे लिखते, ठीक है, जब विपरीत लक्षण वाले, जब विपरीत लक्षण वाले पौधे को, जब विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया गया, तो F1 पीढ़ी में, जब F1 पीढ़ी इसकी मिली तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला, ठीक है। F1 पीढ़ी में क्या हुआ, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला, ठीक है, यही लिखेंगे आप, केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला। अप्रभावी लक्षण फिर लिखेंगे इसके आगे, अप्रभावी लक्षण होने के साथ भी, अप्रभावी लक्षण होने के साथ भी अनुपस्थित था, ठीक है, अनुपस्थित था, या फिर वो प्रभाव नहीं दिखा पाया, ठीक है। यही है मेंडल का प्रभाविता नियम, ठीक है। अब देखिए, जब विपरीत लक्षण वाले पौधे, अब मैं क्रॉस करा के दिखा दूं, जब विपरीत लक्षण, जैसे कैपिटल टी यानी कि लंबा है, इसका कैसे कराया, बौना से कराया, स्मॉल टी क्रॉस कराया गया, तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखना। इसमें कौन है, इसमें जो है प्रभावी लक्षण कौन है, अप्रभावी लक्षण कौन है, समझ लो। इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो बेटा है लंबा प्रभावी लक्षण है, और जो अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण वो है बौना जो है वो अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, इतना समझ गए। लंबा पौधे को जब क्रॉस कराया कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, ये जब क्रॉस आया तो क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे ही देखने को मिले, यानी कि इसका जीनोटाइप क्या होगा, इसका जीनोटाइप होगा संकर लंबे पौधे। अब देखिए फीनोटाइप क्या होगा, इसको लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में, जब आएगा ना लिखना पड़ेगा, फीनोटाइप होगा लंबे पौधे, ये देखिए। अब यहाँ पे लंबे ही क्यों लिखा जाता है, बौने क्यों नहीं लिखा जाता, क्योंकि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, ये देखिए इसमें ये भी प्रभावी है, ये भी प्रभावी है, यानी कि चारों जनरेशन में जब चार बच्चे इसके चार पेड़ होंगे तो चारों पेड़ों में प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला। ये कौन सी पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला, इसलिए इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। बताइए यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया या नहीं, इतना आप लोग मुझे तुरंत बता दीजिए कमेंट करके तुरंत, ठीक है। ये हो गए प्रभावी लक्षण और ये हो गए आपका अप्रभावी लक्षण। बताइए प्रभाविता का नियम आपको समझ आया कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी तुरंत समझ आया, मिटा दें इसको, इतना ही है। लिखेंगे आप प्रभाविता का नियम, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे जब विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिला, अप्रभावी लक्षण या दूसरा लक्षण होने के साथ भी वो अनुपस्थित था, अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए उसको बोलते हैं अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण कौन था, लंबा पौधा, अप्रभावी कौन था, बौना पौधा। ये देखिए यहाँ पे 100% लिखेंगे, 100%
संकर लंबे पौधे 100%, इसको हम लोग 25% के हिसाब से मानेंगे, ठीक है। 100% निकालने में 25-25 मानेंगे तभी तो बेटा 100 होगा, 25-25 नहीं मानेंगे 100 नहीं हो पाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया, मिटा दें। मेंडल का प्रथम नियम वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आ जाना चाहिए, अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। मेंडल का प्रथम नियम आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं मेंडल का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग जानते हैं पृथक्करण के नियम से, ठीक है। मेंडल का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग जानते हैं पृथक्करण का नियम, है ना, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, अरे है ना, लॉ ऑफ सीग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में मेंडल क्या बोलते हैं कि यफुवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब स्वपरागण कराया गया तो इसको पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं युग्मक शुद्धता का नियम, युग्मक शुद्धता का नियम, हेडिंग डाल लेना। अब देखो इसमें क्या लिखोगे कि यफुवन, जब मेंडल ने यफुवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया तो यफ2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले। मेंडल ने, आप लिखेंगे यहाँ पे कि मेंडल ने यफुवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया, क्या कराया, आपस में स्वपरागण कराया, ठीक है। मेंडल ने जब यफ1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया तो देखा तो यफ2 पीढ़ी में, अब यफ1 के बाद यफ2 पीढ़ी होगी, तो यफ2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात में, 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिले, लक्षण देखने को मिले, यानी कि लक्षण विभक्त हो गए, लक्षण देखने को मिले, इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। इसे पृथक्करण का नियम, पृथक्करण मतलब लक्षण को पृथक कर देना, अलग कर देना, जैसे कमरे में कई लक्षण हैं उनको पृथक कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो, एक कमरा अलग अलग बना दो, उसको बोलते हैं पृथक्करण। इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब देखो यफ1 पीढ़ी से कौन सी संतति प्राप्त थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबा पौधा यफ1 पीढ़ी से प्राप्त था। बताओ प्राप्त था कि नहीं, ये बताओ मुझको, रेड से लिखते हैं। यफ1 पीढ़ी से हमको संकर लंबा पौधा प्राप्त था, तो इन्होंने क्या करा, संकर लंबे पौधे को आपस में क्रॉस करा दिया। जब इसका क्रॉस कराया तो देखने को क्या मिला बेटा, कि ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये मिला। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या हुआ, ये आपस में मिले, ये क्या बनाया आपका, देखिएगा, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये जीन इससे क्रिया करेगा, किरण आरेख बोलते हैं इसको, ये तो आप समझ ही गए हैं, लेक्चर 2 में बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब फिर ये क्रिया इससे करेगा, ये प्रभावी लक्षण इसलिए पहले लिखा जाएगा, ठीक है, याद कर लो यार, दो तीन बार वीडियोज यही वाला रिपीट कर लोगे ना, देख लोगे ना, पूरा याद हो जाएगा। ये देखो इतने लक्षण देखने को मिले, ये कौन सी पीढ़ी है, ये यफ2 पीढ़ी है,
ये कौन सी पीढ़ी थी? ये यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतति। यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतति, यफवन पीढ़ी से प्राप्त संतति को जब आपस में स्वपरागण कराया गया तो यफ टू पीढ़ी में देखा गया 3:1 के अनुपात में लक्षण देखने को मिला। आप कैसे? अब हम लोग देखेंगे जीनोटाइप, सबसे पहले देखेंगे फीनोटाइप, क्योंकि तो सबसे पहले बेटा फीनोटाइप ही देखा जाता है, इसके बाद जीनोटाइप देखा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग इधर उधर मत हो, प्यार से समझना भैया फीनोटाइप, ठीक है ना? ए चाचा ए सुन ले, फीनोटाइप है ना, फीनोटाइप, फीनोटाइप है। ओ चो ए चाचा, हम लोग कोचिंग वगैरह जाते ना चिल्लाए करते से, ए चाचा ए ए चाचा ए सुनता है सुनना है ना। देखो फीनोटाइप क्या होता है कि जब बाहर से देख ली, चचवा खड़ा है कि बाहर से देखे, बाहर से देखेगा तो इसको ये लंबा दिखेगा, ये लंबा दिखेगा, ये लंबा दिखेगा, ये बौना दिखेगा। तो बाहर से देखने पर क्या दिखेगा? लंबा पौधा कितना देखने को मिलेगा? लंबा पौधा 3 देखने को मिलेगा। अनुपाते बौना पौधा कितना देखने को मिलेगा? बौना पौधा देखने को मिलेगा 1। बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। मेंडल का पहला नियम समझ में आया कि नहीं, कि मेंडल का दूसरा नियम, जल्दी करिए। यदि तुम लोगों को लग रहा हो ना कि कमेंट करने में क्या जाता है ये वो, ध्यान रखना मेरे साथ कुछ नहीं खेल रहे हो आप लोग, अपने साथ ही खेल रहे हो। ठीक है, और जो हमारा दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, अगर डीमोटिवेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, किसी भी प्रकार की लाइफ में दिक्कत आ रही हो ना, कैरियर से संबंधित, किसी भी चीज़ से संबंधित ना, तो उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखना, और जो भी दिक्कत हो ना कम्युनिटी पर जाकर कमेंट करना, हमारे इसी चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर कमेंट करना। कम्युनिटी बॉक्स पे जो हमारा कमेंट जाता है वो थोड़ा सा मतलब कि जाहिर कमेंट रहता है, उस पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, अब देखिए फीनोटाइप 3 लंबे पौधे दिखे, अब 1 बौना। अब हम लोग भैया देखेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीन के लेवल पर, ठीक है, जीन के लेवल पर हम लोग देखेंगे। एक सेकंड ना रुकिएगा, इधर कुछ बवाल ना खड़ा हो जाए है ना, एक सेकंड ना। कहने को है सेटअप में बहुत दिक्कत होती है यार, फुल ऑफ स्टूडियो ना होने की वजह से डिजिटल बोर्ड, हम लोग अगर आप लोगों को अच्छा सपोर्ट रहेगा ना तो बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड आने वाला है, और डिजिटल बोर्ड आएगा डिजिटली पढ़ाएंगे तुम लोगों को, और अच्छा चमकता हुआ है ना, चमकता हुआ बोर्ड में पढ़ाएंगे। एक बच्चा है हमारे घर में, क्या थोड़ा सा रिश्तेदारी में आता है, तो बोलता है, पता क्या बोलता है, मैं चमकता हुआ घर बनवाऊँगा। कैसे बनाऊँगा? चमकता हुआ। किस तरह? अजीब आदमी है, चमकता हुआ घर को ही होता है क्या, है ना? तो देखो फीनोटाइप देख लिया, अभी चाचा क्या करें, अंदर घुस गए, यहाँ पे बैठ गए, देखें इसको, देखें तो ये शुद्ध लंबा है। इन्होंने देखा कि भैया टिक मार दो, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा 1 पौधा है। ठीक है, अब चाचा इसमें घुसे, इसमें बोले लंबा भी है बौना भी है, तो इसको बोलेंगे हम संकर लंबा। अब चाचा इसमें घुसे, एक घुसे, फिर इसमें घुसे, बोले 2 संकर लंबे पौधे हैं, 2 लगा दिए अनुपाते। फिर चाचा उठ के इधर आ गए, इधर देखें तो बोले ये भैया बौना पौधा है, शुद्ध बौना है, किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं है, तो बोले 1। यानी कि जीनोटाइप 3:1, फीनोटाइप होगा 3:1 और जीनोटाइप होगा 1:2:1। यानी कि इस नियम में, इस मेंडल के दूसरे नियम में क्या हो गया, युग्मक जो थे ना पहली पीढ़ी में युग्मक शुद्ध थे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में जो युग्मक थे वो पृथक हो गए, यानी कि सारे युग्मक अलग अलग हो गए। ठीक है, इस नियम में ये फायदा है। तो यहीं पे जो एक संकरण प्रयोग था वो आपका समाप्त होता है। अब आप लोग देख लीजिए, एक संकरण प्रयोग लिख लिए, मेंडल के नियम भी लिख लिए, अब देखिए द्विसंकरण प्रयोग क्या था। मिटा दो इसको, अभी मैं घटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इतने का, ठीक है, और इसको आप लोग लिख लो अपनी कॉपी में, वैसे बहुत टाइम रहता है। ठीक है, धीरे धीरे समझाता हूँ, लिख लो। ठीक है, अब बेटा बोर नहीं होना है, ठीक है, पढ़ते समय कि भैया बोर हो जाओ ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, पढ़ते रहिए, तभी तो अच्छा स्कोर आएगा, जब अच्छा स्कोर आएगा तभी तो अच्छी लड़की मिलेगी शादी के लिए, थोड़ी ना लड़की थोड़ी ना मिलेगी। अब देखो द्विसंकरण प्रयोग में क्या था, इधर ही बता देता हूँ। द्विसंकरण प्रयोग, पहले संकरण में मेंडल ने क्या किया था, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी कि एक युग्मक था, क्या था, एक युग्मक था। अब इधर मेंडल ने द्विसंकरण प्रयोग में क्या लिया कि कैपिटल टी है ही है, यानी कि लंबा पौधा तो है ही है,
इसके साथ और एक गुण ले लो लंबा के साथ, जैसे लंबा पीला, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लंबा पीला। अब इधर क्या होगा, बौना पीला है इधर, तो हरा लेंगे, बौना स्मॉल टी स्मॉल टी, हरे के लिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ऐसे। यानी कि दो जोड़ी बीजपत्र द्विसंकरण प्रयोग में लिखेंगे कि मेंडल ने दो जोड़ी बीजपत्र वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया, तब उसको बोलते हैं द्विसंकरण प्रयोग। ठीक है, उतना लिखने के बाद द्विसंकरण प्रयोग किस पर फॉलो होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में फॉलो होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का तृतीय नियम, और ये लास्ट नियम है। ठीक है बेटा, मेंडल का तृतीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, वन सेकेंड, सामान पहले हटा दें। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लिखा देते हैं, फिर द्विसंकरण संकरण प्रयोग आपको हम इधर ही समझा देंगे। ठीक है, हेडिंग डालना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट, इसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम में आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया गया, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में लिखेंगे कि मेंडल ने जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे, याद रखिएगा, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे, विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच, विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया गया, दो जोड़ी विपरीत, यानी कि लंबा भी हो पीला भी हो, खाली लंबा नहीं लेना है पीला लेना है, ठीक है, खाली लंबा नहीं लेना है पीला लेना है, ठीक है, और बौना नहीं लेना है हरा लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि मेंडल ने जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच आपस में क्रॉस कराया गया, तो 9:3:3:1 के अनुपात में, एक के अनुपात में लक्षण देखने को मिले, लक्षण देखने को मिले। मेंडल ने जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस कराया, तो लक्षण कैसे देखने को मिले, 9:3:3:1 के रूप में लक्षण देखने को मिले, तो उसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया, मेंडल का तीसरा नियम समझ में आया कि नहीं? तीसरा नियम थोड़ा लॉन्ग है, इसको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो अटेंशन प्लीज़। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई ओमन आपको पढ़ा रहा है, सारी चीज़ें एक एक समझ में आएंगी। लेकिन मेंडल का जो तीसरा नियम था ना, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ही बचवा थोड़ा सा कठिन है, तो तुम जाओ पानी वानी पी आओ, हम इधर खड़े देख रहे हैं, ठीक है, जाओ पानी पी आओ, चॉकलेट वॉकलेट खा लो, ठीक है। कहते बिल्ली को चॉकलेट दिखाओ, जब वो मांगने लगे तो उसको चॉकलेट हटा लो, पन्नी दे दो, है ना, बड़ी अच्छी चीज़ है ना। ऐसे इंक डाल लेते हैं, जब तक हम इसमें इंक मार्कर को पानी वो पिलाएंगे, इंक पिलाएंगे तुम लोग, तब तक पानी पी लो। और मेंडल का तीसरा नियम यदि समझ आ गया ना, तो याद रखो तुम लोग भगवान से मिल लिए हो।
याद रखना बहुत कठिन नियम है बेटा, बहुत कठिन, ठीक है? अच्छे से समझना, मन लगा के नहीं देखना, ये तुम्हारे दिमाग से उछड़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किधर गया। याद रखना मेरी एक बात, ठीक है? इतना पढ़े हो ना, पूरे चैप्टर की मेहनत ख़राब हो जाएगी अगर तीसरा नियम नहीं आया तो। याद रखना तीसरा नियम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का जो तीसरा नियम था ना, वो किस प्रयोग के अंतर्गत आया, वो द्विसंकरण संकर प्रयोग के अंतर्गत आया, तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ, ठीक है? इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब नीचे आप लोग डालेंगे इसी तीसरे नियम को, हम लोग फुल डिटेल से पढ़ेंगे। अब फुल डिटेल पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, पानी पी लें, हम भी पानी पी लेते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि मेंडल ने दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया, इसीलिए इसको द्विसंकरण प्रयोग बोलते हैं। मेंडल ने क्या है कि मेंडल ने दो लक्षणों को एक साथ लेकर प्रयोग किया। अब देखो भैया, सबसे बड़ी दिक्कत द्वि लक्षण कौन थे, इसको लिखते जाओ मेरे साथ, लिखो। द्वि लक्षण थे, सबसे पहले लिया बीज का आकार, फिर लिया बीज का रंग, ठीक है? बीज का आकार, बीज का रंग, सबसे पहले लिया बेटा बीज का आकार लिया। बीज का जो शेप होता है वो दो शेप होता है, एक होता है गोल, दूसरा होता है झुर्रीदार। बीज का दो से पहले को लिया गोल और दूसरे में लिया झुर्रीदार, समझ गए? अब देखिए, अब बीज का रंग देखते हैं, ठीक है? दो लिए तो अगर गोल के हिसाब से करा देते तो वो तो हो जाता है एक संकरण प्रयोग, अगर गोल और झुर्रीदार आपस में संकरण करवा दिया गया तो वो तो हो गया आपका एक संकरण प्रयोग। लेकिन अब द्विसंकरण प्रयोग है, तो यानी कि अब लेना पड़ेगा पीला और हरा, इधर पीला होगा, इधर झुर्रीदार के पास हरा होगा। अब गोल को बोलते हैं हम राउंड, और झुर्रीदार को बोलते हैं व्रिंकल्ड। तो इसका नियम क्या है, गोल के लिए आर का प्रयोग करेंगे, पीला के लिए येल्लो का। अब एक नियम लगता है कि यदि आपने गोल के लिए कैपिटल आर का इस्तेमाल किया है तो झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे, यदि पीला के लिए कैपिटल वाई लिया है तो हरा के लिए स्मॉल वाई लेंगे। तो हमको दो लक्षण मिल गए, ये हुआ स्मॉल आर, ये हुआ स्मॉल वाई, ठीक है? तो द्विसंकरण प्रयोग में इतना हुआ, सबसे पहले इतना समझो, मेंडल ने दो लक्षणों को एक साथ लिया। हाथ गंदा हो गया, वेसिंग में हाथ धुल ले थोड़ा सा, बस गला दर्द करने लगा यार बोलते बोलते, ठीक है? ठीक है, अब देखिए द्वि लक्षण प्रयोग था, तो सबसे पहले हमने इसमें लिया गोल और पीला, दो लक्षण लिया, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमने लिया इधर गोल और पीला। अब आप लोगों को पता है कि गोल का जीन और पीला का जीन जीन जोड़े में होते हैं, तो कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा, पीला के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है? अब इधर हमने क्या लिया, इधर हमने लिया झुर्रीदार हरा, समझना, झुर्रीदार हरा के लिए स्मॉल आर, क्योंकि जीन जोड़े में होते हैं। बताइए यहाँ तक बेटा समझ में आया कि नहीं? आप लिखेंगे गोल बीजपत्र वाला पौधा, गोल पीला बीजपत्र वाला पौधा, झुर्रीदार हरा बीजपत्र वाला पौधा। बताइए इतना बेटा इधर तक समझ में आया या नहीं, आप लोग ये बताओ। अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये आधे आधे में टूट जाएंगे। जब आधे में टूटेंगे तो क्या बचेगा, इसमें कैपिटल आर बचेगा, इसमें कैपिटल वाई बचेगा, इसमें भी होगा अर्धसूत्री विभाजन, ये भी टूटेंगे, इसमें क्या बचेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलना है।
ये हुए आपके युग्मक, और ये आपका हुआ मेल, ये हुआ आपका फीमेल। ऐसे चित्र होते हैं, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक। बताइए, इसको हमने बोल दिया ये मेल, ये मेल युग्मक है और ये फीमेल है। इतना लिखिए, इतना बताइए, समझ आया या नहीं बताइए। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे चलें। अब देखिए, अब इन दोनों आपस में इनको बांटेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, इन युग्मक, जब ये युग्मक है, मेल है फीमेल है। अब मेल और फीमेल पता, ये शुक्राणु है ये अंडाणु है। शुक्राणु में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अंडाणु में भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ये जब मिल जाएंगे कितने बनेंगे, 46 बनेंगे। तो आपको पता है, इधर भी समझिए 23 गुणसूत्र, इधर भी 23, ये आपस में मिलेंगे। तो मिलने के बाद बेटा ये क्या बनाएंगे, मिलने के बाद बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई मिलेगा। ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और ये जो पीढ़ी है ना, ये पीढ़ी है बेटा F1 पीढ़ी। अरे चार्ज वॉच नहीं है मेरे पास, किधर है चार्ज वॉच, मैं नहीं पहना था। ठीक ठीक चलिए, ये है F1 पीढ़ी। बताइए इधर, इतना समझ में आया कि नहीं, इसको मिटा देता हूँ, भ्रमित मत होना। बताओ F1 पीढ़ी, बताइए कुछ नहीं है इस नियम में। देखना, सबसे पहले दो लक्षण वाले पौधे लिया, गोल पीला वाला मिल गया, झुर्रीदार हरा मिल गया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई मिल गया। आपस में अर्धसूत्री विभाजन कराए, आधा आधा बांट दिया, ये मिल गया हमको, ये मिल गया। फिर ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है, आपस में मिलेंगे तो F1 पीढ़ी में ये बना लिए। बताइए, मैंने क्रॉस नहीं कराना है, खाली मिलाना है मेल फीमेल को, जैसे स्पर्म और ओवम मिला के एक ही बच्चा तो बनाएगा, है ना। मिल गए, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया मेंडल ने, इस वाले पौधे को आपस में क्या कराया, स्वपरागण, स्वपरागण कराया। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, इसी में परागण करा दिया आपस में। तो देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जब आपस में स्वपरागण कराया गया तो देखिएगा, ये अलग होंगे ये अलग होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिएगा बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। स्वपरागण जब इधर कराया गया तो इतना जो आया, इतना आपको समझ आया या नहीं। अब मैं एक का बताऊंगा, दूसरे का आपको लिखना है, दोनों सेम ही हैं। तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो क्या बनाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई से मिलेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। ये होता है, अबे पागल है क्या बे, साले इधर ही आके पागल कहीं क्या। तो चलिए बताइए, बताइए F1 पीढ़ी से जब प्राप्त हुई संतति, स्वपरागण आपस में करा दिया गया, तो ऐसे ही आप क्रॉस कराएंगे, तो इसका भी ऐसे ही कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यानी कि इन दोनों से हमको एक चीज़ बन रहा है, और वो चीज़ हमने इधर लिख दिया, क्या बना है इसमें से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या बना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या बना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना याद रखना, ये दो बना है। अब मेंडल ने क्या किया, इतना को कराने के बाद, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन या F1 पीढ़ी का कराने के बाद, इन चारों को आपस में परागित कर दिया। इन चारों को आपस में जब परागण करोगे तो भैया बताओ, ये तो ऐसे तो कर नहीं पाओगे, किरण आरेख से नहीं कर पाओगे। तो मेंडल ने क्या किया भैया, मेंडल अब इसका मेंडल का दिमाग ना खराब हो गया। अब मेंडल को मिले पुनेट चाचा, कौन चाचा,
पुनेट चाचा, याद रखना। तो फिर मंडल ने क्या किया कि चचवा से मिला, पुनेट से मिला, बोला चल ठीक है। तो पुनेट ने अपना चकर बोर्ड दिया, क्या हुआ, पुनेट का चकर बोर्ड। अब चकर बोर्ड क्या होता है, जब छोटा आरेख होता है तो हम उसको लाइन खींच के कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा आरेख हो जाएगा तो उसके लिए हमको पुनेट का सहारा लेना पड़ेगा, पुनेट का सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है। पुनेट का चकर बोर्ड में संकरण कराने पर, पुनेट का चकर बोर्ड में संकरण कराने पर, अब यही चीज़ को पुनेट के चकर बोर्ड में कराया गया, इसको और इसको पुनेट के चकर बोर्ड में। तो पुनेट का चकर बोर्ड कैसा था ये देख लीजिए, चकर बोर्ड, चकर मतलब चार, चार खनने वाला बोर्ड था एक, ये था एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, ठीक है, ये हुआ चकर बोर्ड। तो एक तरफ ये था हमारा नर युग्मक, ये क्या था मेल गैमीट, और ये क्या था फीमेल गैमीट, एक को नर और मादा तो मानेंगे ही ना, तो एक तरफ लिखेंगे नर, एक तरफ लिखेंगे मादा। नर वाले में हम इसको लिखते हैं क्या लिखेंगे, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, बताओ इतना लिख लोगे, इतने में कोई दिक्कत, जल्दी बताओ इतने में कोई दिक्कत, इतने में कौनो लौंडे का कोई दिक्कत हो तो बता दे हमसे, बता दे बेटा बता दे। फिर ये युग्मक लिखेंगे सेम है, फिर लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, हो गया। पुनेट के चक्कर बोर्ड में संकरण कराने पर इतना लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद चक्कर बोर्ड बनाओगे, बोर्ड अपने कॉपी में बनाओ, साथ में बनाओ। अब देखो मेन गेम बेटा यहीं पे शुरू होता है, अब इनका संकरण कराएंगे, आपस में इनको मिलाएंगे, इन युग्मक को नर और मादा युग्मक को मिलाएंगे, तो युग्मक मिलेगा तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो मिलाओ इसको कैपिटल आर कैपिटल आर, तो आप क्या लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लिख दिए आप, लिख दिए आप, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर इधर कैपिटल आर से इसको कराइए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताइए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत चारों करवाओ, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई करवा दिए, हो गया, कोई दिक्कत हुई इतने में, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे फिर दोनों कराओ, गर्मी बहुत लग रही है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल थे, फिर कैपिटल आर प्रभावी लक्षण इसलिए लिखा जा रहा है इसको, पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, हो गया। इसके बाद देखिए इसका फिर इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई, फिर कैप स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ पुनेट का चकर बोर्ड और ये हुआ सब आपका सेट, यानी कि इतनी संतानें मिलती हैं। अब इन संतानों को क्या करना पड़ेगा, अब इन संतानों को खोल खोल के सभी को देखना पड़ेगा। अब देखिए पूरे संतानों को खोल खोल के देखने के लिए हम करेंगे फीनोटाइप, क्या करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं फीनोटाइप, ठीक है। ये है हमारी यफ वन पीढ़ी और ये जो पीढ़ी है ये है बेटा यफ टू पीढ़ी, यफ टू पीढ़ी में हम लोग देखेंगे फीनोटाइप। फीनोटाइप में सबसे पहले हम लोग शुद्ध और लंबा, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध है ना और अशुद्ध दोनों मिलाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, हम ढूंढते हैं कि इसमें गोल
पीला गोल और पीला गोल और पीला बीजपत्र वाले पौधे, ये कौन से थे? ये थे संकर गोल पीला बीजपत्र वाले पौधे। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संकर गोल पीला बीजपत्र, इधर भी लिखेंगे संकर गोल पीला बीजपत्र वाले पौधे, ठीक है। अब देखिए, अब देखेंगे कि गोल और पीला कौन से हैं, ये देख लेते हैं। इसमें से हमको देखने से मिला भैया ये गोल और पीला है ना, है बिल्कुल है, ये भी गोल और पीला है, कैपिटल आर गोल कैपिटल वाई है पीला है, कैपिटल आर गोल कैपिटल वाई पीला, कैपिटल आर गोल कैपिटल वाई पीला, कैपिटल आर गोल कैपिटल वाई पीला, फिर कैपिटल आर गोल है लेकिन पीला नहीं है, तो ये क्या है बेटा, ये पीला ना हो करके ये हरा है, ये क्या है गोल और हरा है। अब देखिए, फिर ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई यानी कि गोल और पीला ये भी है ना। इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल यानी कि गोल और हरा है, ये क्या है गोल और हरा है ये। फिर नीचे आते हैं, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी कि गोल और पीला ये भी है, क्या है गोल और पीला ये भी है, क्या है गोल और पीला ये भी है। आगे चले, कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल वाई कैपिटल यानी कि गोल और पीला ये भी मिल गया, यानी मिल गया। आगे देख लेते हैं, गोल और पीला मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं मिल रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये भी नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है ये भी मिल गया गोल, कैपिटल आर से गोल और कैपिटल वाई से पीला, समझ आ रहे ना, ये मिल गया। फिर आगे देखते हैं, कोई नहीं मिल रहा। अब देखिए ये हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने मिल गए, यानी कि गोल और पीला फिनोटाइप में गोल और पीला हमको कितना मिला, गोल और पीला हमको कितना मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ हमको गोल और पीले बीजपत्र वाले पौधे मिल गए फिनोटाइप, अभी संकर नहीं लगा इसमें, फिनोटाइप, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमने देखा कि गोल हैं और कुछ हरे पौधे भी मिल रहे हैं, गोल और हरा पौधा ये मिल गया। अब देखिए गोल और हरा पौधा ये मिल गया, फिर देखते हैं किसमें गोल और हरा, ये गोल हरा नहीं है, झुर्रीदार हरा झुर्रीदार पीला है, ये झुर्रीदार पीला है, झुर्रीदार पीला, ठीक है, ये भी झुर्रीदार पीला है, झुर्रीदार पीला ये है, ठीक है। गोल और हरा कहाँ है, गोल और हरा हमको एक ये मिल गया, बताइए ये है गोल और हरा और ये है गोल और पीला, गोल और हरा कितना है, गोल और हरा है 1 2 3 गोल हरा 3:9:3। फिर अब हम देखते हैं अब कौन सा पौधा बच रहा है, अब पौधा बच रहा है स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार, फिर कैपिटल वाई क्या बच रहा है, स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी कि झुर्रीदार पीला बना, ये क्या बना, ये हुआ आपका झुर्रीदार पीला बना, ये झुर्रीदार पीला हुआ। अब देखिए ये भी झुर्रीदार पीला हुआ, अब पीला इस केस तो है नहीं भैया, पीला नहीं है तो नीला देख लें, ये झुर्रीदार पीला है बिल्कुल है, ये भी झुर्रीदार पीला है, शंकर वंकर नहीं देखना बस झुर्रीदार पीला मिलाना है, क्या स्मॉल आर से झुर्रीदार कैपिटल वाई स्मॉल वाई से पीला, कैपिटल वाई पीला होता है, झुर्रीदार पीला 1 2 फिर एक दो झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार है ये भी पीला है, ये देखिए तो झुर्रीदार पीला भी कितना मिला, झुर्रीदार पीला हमको कितना मिला, 3 मिला। फिर एक और बच रहा है लास्ट में, वो है झुर्रीदार और हरा, यानी कि झुर्रीदार और हरा एक पौधा मिल रहा है, इसमें लिखेंगे झुर्रीदार हरा 9:3:1 में फिनोटाइप निकला। अब बताइए इतना बेटा समझ में आया कि नहीं, कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से बताइए बेटा इतना समझ में आया कि नहीं, फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, गोल पीला बीज पत्र वाले पौधे लिए कैपिटल आर, ये रिएक्शन कराया ये निकला, F1 पीढ़ी में जब स्व परागण कराया गया ना, सेल्फ पॉलिनेशन आपस में करा दिया गया तो ये मिला,
और इसको मिलने के बाद क्या करना है, इसमें पुनेट के चकरबोर्ड में रख देना है। चकरबोर्ड में रखने के बाद क्रॉस कराना है, क्रॉस के बाद हमको गिन लेना है कौन कौन से मिले। गोल और पीला के लिए यदि कैपिटल आर है, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये हुआ फिनोटाइप। अब इसका जीनोटाइप आपको निकालना है। जीनोटाइप कैसे, इसके अंदर चाचा घुस के बैठ के सब में देखेंगे जीन के लेवल पर के। ये शुद्ध गोल और पीला है, ये शुद्ध गोल है लेकिन संकर पीला है, ऐसे आपको फिनोटाइप निकालना है। अब फिनोटाइप कितना होता है मैं बता दूं आपको, देखिए जीनोटाइप, जीनोटाइप इसमें लिखा हुआ है, जीनोटाइप होता है 1:2:4:1:2:1:2:1:1। ये हुआ इसका जीनोटाइप। अब जीनोटाइप इसको आपको निकालना है कि इसमें कितने संकर हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने संकर गोल पीले हैं, कितने शुद्ध गोल पीले हैं। ये हुआ आपका मेंडल का तृतीय नियम, यानी कि स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम के नाम से जानते हैं, ये यहीं पर आपका समाप्त होता है। और मेंडल के तीनों नियम जितने भी थे ना, मेंडल के तीनों नियम, मेंडलिज्म, लॉ ऑफ मेंडल्स, यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसको पूरा लिखिए, और मैं बता दूं आपको ये एक बार में समझ नहीं आएगा, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम एक बार में बेटा समझ आएगा ही नहीं। आप क्या करिए, फिर से बैक करिए, दो बार इस वीडियो को देखिए, दो बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तब ये पूरा आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से बताएँ, ठीक है। तो यहीं पर आज आपका समाप्त होता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, यानी कि मेंडल का नियम। तीन लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले लेक्चर के लिए यदि आपको चाहिए ना तो बहुत ढेर सारा कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।